देखिए ये है मिसिंग नंबर सीरीज, ये मैथ्स में भी, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पता होगा क्या क्वेश्चंस होते हैं ये। इसमें देखो ऐसी चीजें आती हैं, पहले आपको समझ, जैसे यहाँ पे लिख देगा 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 22, यहाँ पर 33, 33। अब कहेगा आगे क्या आएगा, तो इसमें अगला टर्म बताना होता है। और एक इसमें आते हैं मिसिंग नंबर्स। मिसिंग का मतलब है कि आपको अगला तो बताना ही है, मतलब कई बार गलत भी आते हैं कि कौन सा सीरीज में रॉन्ग नंबर है। तो जो भी हो सीरीज की है ये प्रॉब्लम सारी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले टाइप्स ऑफ सीरीज देखनी पड़ेगी। सबसे पहले होता है टाइप्स ऑफ सीरीज, ये समझ में आ जाएगा तो सीरीज अपने आप समझ में आ जाएंगे। जैसे पहली होती है एडिंग सीरीज, दूसरी होती है सब्ट्रैक्टिंग सीरीज, तीसरी होती है मल्टीप्लाइंग सीरीज, चौथी होती है डिपिंग सीरीज। डिपिंग आप इसको डिवाइडिंग सीरीज कह लो या इसको डिपिंग सीरीज नाम दे दिया। एक होती है रैंडम सीरीज, रैंडम जो रैंडमली चलती है। एक होती है जंपिंग सीरीज और बाकी मिसलेनियस में आ जाती हैं। अब इनकी क्या-क्या फीचर्स हैं। एडिंग सीरीज जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। अगर कोई सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है इसका मतलब वो एडिंग सीरीज है। कैसे, जैसे हमने दे दिया 10, 12, 15, 20, 27 और बोला आगे क्या आएगा। अब इसमें 10, 12, 15, 20, 27 अगला बताना है, तो साफ पता चल रहा है सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये एडिंग सीरीज है। एडिंग सीरीज में डिफरेंस देखते हैं बस। अब आप इनके डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है और इन दोनों का डिफरेंस 7 है। अब ये समझिए, ये 2, 3, 5, 7 हैं क्या, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब अगला जो आएगा उसमें अगला प्राइम नंबर आएगा। अगर यहाँ पे 1 होता, 1, 3, 5, 7, तो ये सारे होते ऑड नंबर, तो अगला ऑड नंबर आता 11। पर ये सारे 2 से स्टार्ट हुए हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या। तो अगला भी उसमें, अगला प्राइम नंबर उसमें 11 जुड़ जाएगा और आंसर हो जाएगा 38। ऐसे अब मान लो इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन में ऐसा होता 10, 12, 15, 20 और 28। अब कहता अब आगे क्या आएगा, तो इसके लिए अब आप क्या करते, डिफरेंस देखेंगे, इनका 2, इनका 3, इनका 5 और इनका 8। अब ये 2, 3, 5, 8, अब ये पता तो चल नहीं रहा कि अगला क्या आएगा। अब इसके 2 आंसर हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। एक आंसर ये हो सकता है कि डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लो, एक इन दोनों का डिफरेंस, एक डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लो, दो डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लो, 3। तो अब डिफरेंस 4 आएगा, इसका मतलब है 8 और 4 कितना, 12। तो इसमें 12 जुड़ जाएगा और आंसर हो गया 40। पर मान लो 40 दे ही नहीं रखा, तो इसमें दूसरा लॉजिक क्या लगता है, इन दोनों का जोड़ यहाँ लिख दिया, इन दोनों का जोड़ यहाँ लिख दिया, मतलब तो उससे पहले के 2 को जोड़ रहे हैं और इन दोनों का जोड़ यहाँ लिख देंगे, तो 12 की जगह उसमें 13 जोड़ दें।
इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस अगर हमें पता है कि हमारे क्या आ रहे हैं, तो आप उसको ऐसे, तो ध्यान रखना डिफरेंस का भी डिफरेंस पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अब इसी में हम ऐसे बोल दें, यहाँ पे बोल दें 15, यहाँ पर हम बोल दें 21, यहाँ पर बोल दें 24, यहाँ पर बोल दें 30, यहाँ पे लिख दें 33, और यहाँ पे लिख दें 39। अब ये वाला बहुत आसान है, भाई 6 जुड़े, क्या जुड़े, 3 जुड़े, फिर 6 जुड़ गए, फिर 3 जुड़ गए, और फिर दोबारा से क्या जुड़ गए, 6, तो अगला वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बताता 17 हो गए 25, ये 32, ये 37, ये 47, बोला अब आगे क्या आएगा। आप समझ जाइए सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो एडिंग के अलावा डिफरेंस के अलावा कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, तो आप केवल डिफरेंस वाले पे ध्यान दो कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 8, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 7, इनका क्या है 5, इनका क्या है 10। पर क्या ये कुछ लॉजिक लग रहा है आपको, प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 10, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो आप सोचो आएगा तो ऐसे ही, तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे 8 कैसे आया, इन दोनों का सम है 8, इन दोनों का सम है 7, इन दोनों का सम है 5, इन दोनों का सम है 10, अब इन दोनों का सम आएगा 11, और इसमें 11 जुड़ जाएगा, और 47 में 11 जुड़कर 58 हो जाएगा। जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो डिफरेंस के अलावा कुछ भी नहीं देखना, और आपको ये देखना है ये डिफरेंस आया कैसे। अब इस क्वेश्चंस को करके देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 17 लिख देता, यहाँ 24 लिख देता, यहाँ पर 32 लिख दूँ, यहाँ पर 38 लिख दूँ, यहाँ पर 62 लिख दूँ, और कहते हैं आगे अब क्या आएगा। अब सीरीज आपको पता चलेगी, सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब एडिंग सीरीज के अलावा और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो आप ध्यान केवल एडिंग सीरीज पे लगाएंगे, और एडिंग सीरीज में क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस है 7, इन दोनों का डिफरेंस है 8, इन दोनों का डिफरेंस है 6, इन दोनों का डिफरेंस है 24। अब आपको देखना पड़ेगा ये कैसे आया, 7 8 6 24, ये तो किसी लॉजिक से लग नहीं रहा। तो क्या किया है इसमें, 7 वन जा 7, 4 टू जा 8, 3 टू जा 6, 3 8 जा 24, 6 टू जा 12। अब इसमें 12 जुड़ जाएगा और आंसर आ जाएगा 74। समझ जाइए डिफरेंस अगर बराबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऐसे ना जब आप मिसलेनियस करेंगे, मिसलेनियस, तब जाकर आपको ये पता चलेगा। कभी ऐसे होते हैं तीन चार लगातार होंगे, 8 9 10 11, शुरू में तीन चार लगातार होंगे, और उसके बाद वो ऐसे 13 17 25 28, अब बोल देगा आगे क्या आएगा। अब साफ पता चल रहा है कि सीरीज धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप केवल डिफरेंस लेंगे, केवल डिफरेंस के अलावा और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है। तो जब आप इनका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस में आप क्या देखेंगे, इनका एक है एक है एक है,
इनका दो है, इनका चार है, इनका आठ है और इनका क्या है, तीन। अब आपको समझना पड़ेगा ये एक 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 दो चार आठ क्या है। इसका मतलब पहले वाला एक का एक पावर एक है, ये एक का स्क्वायर है, ये एक की तीन है। तो पहला एक जोड़ा, फिर एक का स्क्वायर जोड़ा, फिर एक का क्यूब जोड़ा, क्योंकि एक का तो सारा एक ही होता है, इसलिए एक एक ही जोड़े। फिर यहाँ पे दो जोड़ा, फिर दो का स्क्वायर जोड़ा, फिर दो का क्यूब जोड़ा। अब तीन जोड़ा, तो तीन का स्क्वायर जुड़ेगा, तीन का स्क्वायर नौ, तो नौ उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आएगा तीन का क्यूब जुड़ेगा 27, फिर चार जुड़ेगा, फिर चार का स्क्वायर जुड़ेगा, फिर चार का क्यूब जुड़ेगा, ऐसे ही आगे जुड़ते। तो आपको ना सीरीज फाइंड आउट करनी है, सीरीज में क्या है। आया? जब सारी टाइप की सीरीज आप पढ़ लेंगी ना, अभी तो आपको पता है केवल एडिंग एडिंग सीरीज हम करा रहे हैं, पर जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं रैंडमली, आप उनको देखते ही पहचान लेंगे ये सीरीज कौन सी है, फिर उसको उसी तरीके से हैंडल करेंगे। मतलब सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो डिफरेंस पे काम करना है, उसी तरह सीरीज अगर धीरे धीरे घट रही है तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन पे, वहां पर भी डिफरेंस ही आएगा, क्योंकि बढ़ रही हो या घट रही हो है तो डिफरेंस ही। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 78 और यहाँ पे लिख दूँ 63, यहाँ पे लिख दूँ 54 और यहाँ पे लिख दूँ 45। अब यहाँ पे कह दूँ यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 15 है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 9 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 9 है। अब 15 9 9 कोई सीरीज तो बताता नहीं है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा ये 15 क्यों आया, इन दोनों का जोड़। 9 क्यों आया, इन दोनों का जोड़, यहाँ पर भी इन दोनों का जोड़, ऐसे ही अगले वाले का भी 9 ही आएगा, तो 9 उसमें कम हो जाए। ये जब आप रैंडम सीरीज पढ़ेंगे ना, मतलब मिसलेनियस, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो जैसे सबट्रैक्ट एडिंग सीरीज हैं, बिल्कुल वैसी होती हैं सबट्रैक्टिंग सीरीज। अब उसके बाद तीसरी जो आती है वो आती है मल्टीप्लाइंग सीरीज, वो ऐसे होती है जैसे यहाँ पे एक सीरीज बहुत तेज गति से बढ़ेगी, बहुत तेज गति से, जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पांच, यहाँ 24, यहाँ 93, यहाँ पर 278 देगा, कहेगा आगे क्या आएगा। अब सीरीज बढ़ तो रही है, सीरीज यहाँ पर बढ़ रही है, पर जो उसकी ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। तो यहाँ पर कभी एडिंग सीरीज का यूज नहीं करते, यहाँ पे यूज करते हैं मल्टीप्लाइंग सीरीज का। और मल्टीप्लाइंग सीरीज कभी आगे से पकड़ में नहीं आती, क्योंकि ये इसका 5 गुना है, ये इसके 6 गुना के भी बहुत पास है, ये इसके 4 गुना के भी बहुत पास है। तो आपको ये नहीं पतेगा ये 4 गुना करके +1 किया है, ये 6 गुना करके -1 किया है, या ये 7 गुना करके -2 किया है, या ये 3 गुना करके +2 किया है, कुछ पता नहीं चलेगा। पर यहाँ पे जब आप देखेंगे आपको साफ पता चल जाएगा कि ये 9 और ये क्या है 27, इसका मतलब ये वाला नंबर इस वाले नंबर के 3 गुना के पास में है ना, क्योंकि इसका तो 1 गुना में 93 नंबर का डिफरेंस आएगा। तो ये सीरीज पीछे से पकड़ में आती है, कभी आगे से नहीं आएंगी। अब ये साफ दिख रहा है कि ये इसका 3 गुना के पास में है, तो आप उसका 3 गुना कर दो 279, उसमें से एक कम हो गया, तो आपको पता चल गया यहाँ पे इंटू 3 -1 है।
अब या तो ये सीरीज क्या होगी होगी बढ़ रही होगी, या फिर ये सीरीज क्या हो रही होगी घट रही होगी, ऐसा कुछ होगा। अब ये इसका यहां पर कितना गुना है, गुना चार और माइनस क्या हो गया थ्री। फिर ये इसका यहां पर कितना गुना है, अब ये तीन है ये चार है तो ये क्या आएगा पांच। अब ये वाला इसका यहां पर क्या आ गया, गुना पांच माइनस एक। अब ये इसका कितना गुना है, गुना छह माइनस एक। अब इसका मतलब है गुना छह माइनस एक, गुना पांच माइनस एक, गुना चार माइनस तीन, फिर गुना तीन माइनस एक, मतलब दो बार एक कम हो रहा है और एक बार तीन कम हो रहा है। इसका मतलब अब क्या आएगा, गुना दो माइनस एक, फिर उसके बाद क्या आएगा, गुना एक माइनस तीन। चीज है ना वो भाई, दो बार कंटिन्यू गुना करके एक एक कम करना है और एक बार तीन कम करना है। फिर यहाँ पे दो बार एक एक कम होगा और तीसरी बार क्या होगा, तीन कम। कई बार ये ऐसे भी होते हैं, देखो गुना छः, गुना छः माइनस बारह, फिर यहाँ पे आएगा गुना पांच माइनस दस। तो आप समझ जाना कि जिससे गुना कर रहे हैं उसके डबल को क्या कर रहे हैं, माइनस। जब ये थोड़ा बैंक पीओ के एग्जाम में और टफ आते हैं तो यहाँ पर जो पीछे होते हैं वो ऐसे, जैसे टू इंटू सिक्स यहाँ पे होगा तो यहाँ पे थ्री इंटू फाइव, तो यहाँ पे 15 माइनस कर देगा। यहाँ एक बढ़ाया यहाँ एक कम किया, अगली में फोर इंटू फोर तो गुना चार माइनस क्या करेगा, 16 करेगा। अगली में गुना तीन माइनस 15 करेगा, कैसे, ये एक बढ़ रहा है आगे वाला, पीछे वाला एक एक घट रहा है। अब यहाँ पर वो गुना पाँच और इंटू क्या करेगा थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा पहले गुना छः करके 12 कम किया, फिर गुना पाँच करके 15 कम किया, फिर गुना चार करके 16 कम किया, फिर गुना तीन करके 15 कम किया। अब समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या कम होगा। तो पीछे जो होते हैं ना ये, इनका भी ब्रेकआउट ऐसे कर देते हैं, क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसमें आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग सीरीज हमेशा पीछे से पकड़ में आती है। अब यहाँ पे आपने दो लिख दिया, यहाँ पे आपने नौ लिख दिया, दो नौ, यहाँ पे आपने 38 लिख दिया, यहाँ पर आपने 111 लिख दिया, फिर यहाँ पे आपने जैसे 226 लिख दिया, बोला आगे क्या आएगा। अब साफ पता चल रहा है कि सीरीज बढ़ रही है, पर ये जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ है ये वैसी नहीं है कि धीरे धीरे, ये बहुत तेज गति से बढ़ रही है। तो आपको सबसे लास्ट वाला देखना पड़ेगा, लास्ट वाला क्या है। अब ये वाला इसके दो गुना में कितना ज्यादा है, चार, तो ये वाला इसके तीन गुना में, इसके 38 तिया 114, उसमें से क्या गए तीन, तो उसके तीन गुना में तीन कम है। ये वाला इसके चार गुना में दो ज्यादा है, तो ये वाला इसके पांच गुना में एक क्या है, कम। अब गुना पांच माइनस एक, गुना चार प्लस दो, गुना तीन माइनस तीन, गुना दो प्लस चार, अब की बार क्या आएगा, अब की बार क्या आएगा, पांच से हो गया, चार से हो गया, तीन से हो गया, दो से हो गया, एक से होगा, गुना एक, और पीछे क्या आएगा, एक माइनस दो प्लस तीन माइनस चार प्लस, अब पांच माइनस, तो गुना एक माइनस पांच, तो आंसर आ जाएगा 221। अब जो सीरीज ऐसे होंगी, इन सब सीरीज में आपका यही सब आएगा,
आपको पहचानना पड़ेगा, सीरीज बहुत तेज गति से बढ़ रही है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाइंग सीरीज है, और मल्टीप्लाइंग सीरीज कभी आगे से समझ में नहीं आती, हमेशा पीछे से समझ में आती है, क्योंकि पीछे साफ पता चलता है कि उसका 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है या 4 गुना है, ये वाला। फिर उसके बाद जो डिवाइडिंग सीरीज आती हैं, आप देखना कभी भी आप क्वेश्चंस करेंगे, एक आपको ऐसा मिलेगा, और ये सबसे टफ सीरीज होती हैं। इस तरह के हम कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे अगला क्या आएगा? इस तरीके से। अब कई बार सीरीज आप देखो, जब कभी भी सीरीज आपको ऐसे दिखती हैं, ये सबसे टफ सीरीज होती हैं। सीरीज आपको ऐसे दिखें, पहले सीरीज नीचे गिर रही है और लास्ट में उसमें पॉजिटिव मूवमेंट होना शुरू हो गया। हर सीरीज में देखो, पहले नीचे आ रही है, फिर उसमें ऊपर बढ़ना शुरू हो गया, पहले नीचे आई फिर ऊपर बढ़ना शुरू। जो इस टाइप की आप सीरीज देखेंगे, इन्हें आप डिवाइडिंग या डिपिंग सीरीज कहते हैं। बस इनकी खास बात क्या होती है कि सबसे पहले आप उसको हाफ से डिवाइड करते हैं, फिर कुछ प्लस या माइनस भी कर सकते हैं, फिर उसको एक से करते हैं डिवाइड, फिर उसको डेढ़ से या गुना कर दो, डिवाइड की जगह आप गुना भी बोल सकते हैं, पहले आप हाफ से डिवाइड करो या हाफ से गुना करो, हाफ से गुना करिए उसको, फिर एक से गुना करो, फिर उसको डेढ़ से गुना करो, फिर उसको 2 से गुना करो, या कभी ऐसे होगा हाफ से गुना करो उसको, फिर डेढ़ से गुना करो, फिर उसको 3.5 से गुना करो, ऐसे मतलब मल्टीपल में जाएगा पर हाफ से स्टार्ट होगा। अब ये वाला देखो सबसे आसान है, 12 का हाफ कितना आ गया? 6, 6 आ गया। ये 6 का क्या आ गया? 1.5 गुना। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये वो वाला, इसका हाफ किया, इसका हमने 1.5 गुना किया, अब इसका हम करेंगे 2.5 गुना, क्योंकि ये वाला है हाफ गुना 1, 1.5 गुना 2.5, अब इसका 2.5 गुना आ जाएगा 22.5, फिर उसका 3.5 गुना होगा, ऐसे। अब ये वाला देखो, इसमें क्या किया, 12 का हाफ किया 6, उसमें से 1 घटाया, तो गुना हाफ माइनस 1, फिर उसके बाद गुना 1 प्लस 1, तो एक बार हाफ गुना करके -1 किया और एक बार 1 से गुना करके 1 किया, तो यहाँ पे हाफ 1, 1.5 ऐसे चलेगा। अब इसका हम यहाँ पे 6 का 1.5 गुना करेंगे, 9 आएगा, उसमें से 1 गया, फिर उसका हम यहाँ पे 2 गुना करेंगे और 1 जुड़ गया, तो गुना हाफ माइनस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1.5 माइनस 1 गुना 2 प्लस 1, अब क्या आएगा
गुना ढाई माइनस एक, तो 17 का 2.5 से गुना कर देंगे और माइनस एक कर देंगे। सीरीज रिलेटिवली टफ होती है। अब यहां पे देखो 12 से 7 कैसे आया, गुना हाफ किया प्लस 1 किया। 7 से 9 कैसे आया, गुना 1 किया प्लस 2 किया, मतलब जिससे गुना कर रहे हैं उसका डबल जोड़ रहे हैं। फिर 9 का 1.5 गुना किया 13.5, उसमें 3 जोड़ा। फिर इसका इसका हमने 2 गुना किया 33, उसमें 4 जोड़ा। अब 37 का 2.5 गुना करेंगे और उसमें 5 ऐड कर देंगे। अब इस वाले का बताइए, इस वाले में क्या कर रहे हैं, 8 3 2 2 3 6.5 19। इसमें देखो हमने क्या किया, 8 का हाफ किया और माइनस 1 कर दिया। 8 का हाफ 4, 4 में से 1 गया 3। फिर 3 का 1 गुना किया और फिर माइनस 1 कर दिया, 2 आया। फिर 2 का 1.5 गुना किया, फिर माइनस 1 कर दिया, तो 2 का 1.5 गुना 3, मतलब आधा गुना, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना कर रहे हैं और पीछे माइनस 1 ही लिख रहे हैं। अब यहां देखो 2 का अब 2 गुना करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, 1, 3 आ गया। फिर 3 का 2.5 गुना करेंगे 7.5, माइनस 1 कर दिया 6.5। फिर 6.5 का 3 गुना करेंगे है ना, और उसमें से भी 1 घटाएंगे, यहां पर 18.5 आएगा, उसका भी 3 गुना करेंगे और उसमें से भी 1 घटा। तो सीरीज जो चलती है ना वो चलती है हाफ, एक, 1.5, 2.5 ऐसे, और उसमें प्लस 1 माइनस 1 कुछ भी हो सकता है इस तरह के। ये सबसे अभी आपको मैं प्रैक्टिस जब करेंगे हम क्वेश्चंस, तो वहां पे आपको ऐसे सवाल भी दिखेंगे, तो आपको देखना होगा किस टाइप के हैं ये। उसके बाद देखो अब डिपिंग सीरीज ऐसे ही, जैसे एक बार एग्जाम में आया 9 3 2 2, 8/3, उसके बाद बोला आगे क्या आएगा। अब एग्जाम में सीरीज आई 9 2 2 8/3, अब आगे क्या आएगा। अब सवाल बहुत ही टफ था ये, पर था क्या, इसमें हाफ की जगह 1/3 कर दिया था उन्होंने, 9 का 9 की गुना 1/3 से करी तो 3 आ गया। फिर 3 की गुना 2/3 से करी तो 2 आ गया। फिर 2 की गुना 3/3 से करी तो 2 ही आया। फिर 2 की गुना 4/3 से करी तो 8/3 आ गया। अब इसकी गुना 5/3 से करना था तो 40/ क्या 9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। वहां पे सीरीज थी 1/3 × 1/3 × 2/3 × 3/3 × 4/3 × 5/3। अब जैसे आप इस तरह का सवाल कभी देखें, सीरीज नीचे जा रही है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें पॉजिटिव ट्रेंड आने शुरू हो गए, तो समझ जाइए वो इसी टाइप की होगी। अभी क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद कभी कभी ऐसे सीरीज आती हैं, कभी तो वो धीरे धीरे बढ़ती हैं, कभी एकदम से तेज हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगी फिर एकदम से तेज हो जाएंगी। ये प्लस वाली और इनटू वाली, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमने इनको नाम दे दिया रैंडम सीरीज। जैसे हमने ऐसे लिख दिया भाई 24 36 48 510, बोला जी अब आगे क्या आएगा। यहां पे हमने लिख दिया 14 29 316
अब यहां पर क्या आएगा? यहां पे हमने लिख दिया सीरीज में आप गेस नहीं कर पाएंगे कि सीरीज कौन सी टाइप है ये। कभी आपको लगेगा धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर एकदम से ही आपको शार्प इंक्रीज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लगा कि धीरे धीरे बढ़ी, फिर एकदम से ही शार्प इंक्रीज मिल गया, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गई। यहाँ पर भी पहले कम थी, फिर एकदम से 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई, फिर 1 गुना के आसपास ही बढ़ी, फिर दोबारा से 10 गुना के आसपास बढ़ गई, फिर दोबारा से 1 गुना ही बढ़ी। तो सीरीज प्लस और मल्टीप्लाई दोनों का कॉम्बिनेशन पे बनती है। तो इन इन सीरीज को कैसे करते हैं? ऐसी सीरीज के लिए आप केवल एक काम करें, इन दोनों को अलग-अलग पढ़ना शुरू कर दें। जैसे आप इन नंबर्स को अलग-अलग फ्रैगमेंटेड करना शुरू कर देंगे, आपकी समझ में बात आ जाएगी। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, अब 7 का डबल 14, 714 हमारा आंसर आएगा। बस सीधे अपना व्यू पलट दो, आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। अब ये 1 4 है, तो ये 1 है और ये 4 है, तो 4 2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब आगे एक नंबर है और अगला उसके अगली वाली संख्या का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे 2 आया तो 3 का स्क्वायर, 3 आया तो 4 का स्क्वायर, 4 आया तो 5 का स्क्वायर, 5 आया तो 6 का स्क्वायर, अब 6 आया तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, 649। यहाँ पे 1 आया तो 8, 8 2 का क्यूब है, 2 आया तो 3 का क्यूब, 3 आया तो 4 का क्यूब, 4 आया तो 5 का क्यूब, 5 आया तो 6 का क्यूब, अब 7 आएगा, 6 आएगा तो 7 का क्यूब आ जाएगा। बस सीरीज देखते ही पकड़ में आ जाएगी। जैसे आप इनको अलग-अलग करना सीख जाओगे कि कौन सी टाइप है और उस टाइप को देख करके कैसे ये बनेगा, तो अपने आप चीजें बहुत आसान हो जाएंगे। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सब रैंडम सीरीज के एग्जाम्पल हैं और सारी चीजें आपको बहुत ही आसान नजर आएंगी। अब यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 26 लिख दिया, यहाँ ऐसे लिख दिया, यहाँ अब बोला अब क्या आएगा। तो आपको ये देखना है, पहले सीरीज धीरे धीरे बढ़ी, फिर एकदम से 10 गुना को भी पार कर गई। तो ना तो ये एडिंग सीरीज है और ना ये मल्टीप्लाइंग सीरीज है। तो अपना व्यू पॉइंट चेंज करो कि भाई ये तो रैंडम सीरीज का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे 1 2 दो 6, मतलब जो संख्या है अगली संख्या से मल्टीप्लाई। 2 2 3 6, 3 4 12, 4 5 20, 5 6 30, ऐसे। तो साफ पता चल जाता है कि भाई सीरीज कौन सी है। सीरीज पकड़ में आ गई, हो जाएगा आंसर। अच्छा, एक सीरीज होती है, जैसे वो यहां पे लिख देगा -1, यहाँ पे लिख देगा 10, यहाँ पे 25, यहाँ पर 66। अब कहेगा आगे क्या आएगा? यहाँ पे लिख देगा 0 7 26 63, आगे क्या आएगा? यहाँ पे लिख देगा 2, यहाँ पे लिख देगा 10, यहाँ पे लिख देगा 30, यहाँ पे 68। बोलेगा आगे क्या आएगा? यहाँ पे लिख देगा 3, यहाँ पे लिख देगा 12,
यहाँ 14, यहां पर उनतालीस, यहां पे लिख देगा 그러니까 आगे क्या आएगा। अब इसी तरह के कोई सा भी वो आपको बना दे, यहाँ पे माइनस टू लिख दे, यहाँ पर 11 लिख दे, यहाँ पे 24 लिख दे, यहाँ पर 67 लिख दे, अब कह दे आगे क्या आएगा। अब ये सीरीज भी रिलेटिवली टफ होती है, पर समझ लो जब तुम्हें कभी भी पहले वाला 1 के आसपास, दूसरा वाला 8 के आसपास, तीसरा वाला 27 और चौथा वाला 64 के क्या मिले, पास में मिले, तो समझ जाइए सारे क्यूब के चक्कर हैं। देखो 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, उसमें से 3 माइनस कर दिया, 2 के क्यूब 8 में 3 जोड़ दिया, 3 के क्यूब में 3 माइनस कर दिया, 4 के क्यूब में 3 जोड़ दिया, अब 5 के क्यूब में 3 माइनस कर देगा। यहाँ पर 1 के क्यूब में 2 माइनस किया, 2 के क्यूब में 2 प्लस किया, 3 के क्यूब में 2 माइनस किया, 4 के क्यूब में 2 प्लस किया, अब 5 के क्यूब में 2 माइनस कर देगा। यहाँ 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, अब 5 का क्यूब माइनस 1 हो। ऐसे यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, अब 5 का क्यूब प्लस 5 आएगा। यहाँ पे क्या किया, 3 कैसे आया, 1, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 3, 2, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब कितना 14, 3, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, अब आएगा 5, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, आंसर आ गया। तो जब पहले वाला तुम्हें ये दिख रहा है कि पहले वाला 1 के आसपास, दूसरा वाला 8 के आसपास, तीसरा वाला 14 के 27 के आसपास और चौथा वाला 64 के आसपास है, तो आप समझ जाइए कि ये सारे जो हैं ये सब क्यूब के, क्यूब करिए और क्यूब में कभी माइनस वन होगा, कभी प्लस वन होगा, कभी माइनस थ्री होगा, कभी प्लस थ्री होगा, ऐसे साफ पकड़ में आ जाएगा इस तरह के। अभी क्वेश्चंस करोगे ना अपने आप निकालने सीख जाओगे। लास्ट इसमें होती है जंपिंग सीरीज। जंपिंग सीरीज में क्या होता है कि आप ऐसे, जैसे सीरीज ऐसे बढ़ रही होगी ऐसे, मतलब दो सीरीज होंगी, वो दो सीरीज आपस में जंप करके आएंगी, तो अनइवन सीरीज होती हैं, बढ़ती हैं घटती हैं, बढ़ती हैं घटती हैं, बढ़ती हैं घटती हैं, तो अगर ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो आप समझ जाइए वो जंपिंग सीरीज है। अब जैसे मैं यहाँ पे 17 लिख दूँ, यहाँ पे 30 लिख दूँ, फिर यहाँ पे 18 लिख दूँ, जंपिंग में दो तरह की आती हैं, जंपिंग सीरीज में दो तरह की आती हैं, एक होती है डिपेंडेंट सीरीज और एक होती है इंडिपेंडेंट सीरीज। डिपेंडेंट सीरीज क्या होती है, जैसे यहाँ पर मैं 17 लिखूं, यहाँ 30, यहाँ 18 और यहाँ पे लिख दूं 28, अब यहाँ पे मैं लिख दूं जैसे 23, 23 और अब यहाँ पे मैं लिख दूं 18 और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 25, बोला अब आगे क्या आएगा। दिस इज डिपेंडेंट सीरीज। कैसे, सीरीज बढ़ी घटी बढ़ी घटी बढ़ी घटी ऐसे हो रही है, तो आप पहले दो दो के मल्टीपल में, दो दो के
डिफरेंस में लेके चलेंगे, ये यहां पर एक बढ़ा, ये यहां पर पांच बढ़ा और ये यहां पर क्या बढ़ा, दो। अब ये एक पांच और दो का कोई सीरीज तो है नहीं, ये डिपेंडेंट है ना, तो कोई लॉजिक नहीं होगा इसका। अब तुम दूसरे पर देखोगे तो दूसरे पर क्या आया, ये यहां पर कितने घटा, दो। ये यहां पर कितने घटा, दस। अब ये दो, ये तो कोई सीरीज ही नजर नहीं आ रही, एक पांच दो बढ़ रहे हैं और दो दस और पता नहीं आगे क्या घटेगा। अब ये जब समझ में ना आए तो समझिए, यहाँ प्लस वन किया तो यहाँ माइनस टू किया, यहाँ प्लस फाइव किया तो वहां माइनस टेन किया, अब यहाँ पे प्लस टू करेंगे तो वहां माइनस फोर करेंगे, तो माइनस फोर कर देंगे और फोर्टीन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट जंपिंग सीरीज। डिपेंडेंट जंपिंग सीरीज का मतलब जहां दूसरी सीरीज में क्या होगा ये पहली वाली सीरीज पर निर्भर करता है। अगर यहां पे एक कम होता यहां एक कम होता, यहां दो कम हुआ यहां चार कम हो गया, यहां तीन कम हुआ वहां छह कम हो गया, इसका मतलब जो नंबर आप बढ़ा रहे हैं उसका डबल दूसरे में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नहीं आया? डिपेंडेंट जंपिंग। इंडिपेंडेंट जंपिंग क्या होती है, इंडिपेंडेंट जंपिंग का मतलब होता है उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे 17 लिखा, यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे हमने 22 लिख दिया, यहाँ पे हमने 22 लिख दिया, यहाँ पे हमने 32 लिख दिया, यहाँ पे हमने 26 लिख दिया, यहाँ पे हमने 47 लिख दिया, 47, और यहाँ पर हमने 34 लिख दिया। बोला आगे क्या आएगा। अब इस सीरीज में सीरीज बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, तो आप जंपिंग सीरीज है साफ पता चल रहा है, तो आप क्या करो ऐसे चलिए, ये कितने बढ़े, पांच, ये कितना बढ़ा, दस, ये कितना बढ़ा, पंद्रह, तो अपने आप में एक सीरीज बन रही होगी, पांच दस पंद्रह, अब बीस बढ़ेगा, अरे अब क्या बढ़ेगा, बीस, वही तो निकालना है, तो बीस आंसर आ गया। दूसरी सीरीज में क्या हो रहा है, पहले दो बढ़ा, फिर उसके बाद चार बढ़ा, उसके बाद फिर आठ बढ़ा, अब वहां पर वो अपनी सीरीज चल रही है, दो चार आठ, दो चार आठ सोलह बत्तीस, वो उसकी अपनी सीरीज है, इसकी अपनी सीरीज है, दोनों अपने आप में दो इंडिपेंडेंट क्या हैं, सीरीज हैं। अगर अजीब सा होता कि पांच बढ़ा, ये पांच बढ़ा, ये दस बढ़ता, फिर ये सात बढ़ गया, वो चौदह बढ़ गया, ये दो बढ़ गया, वो चार बढ़ गया, तो सीरीज समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब इस सीरीज पर दूसरी सीरीज जो है वो डिपेंड है, तो वो डिपेंडेंट सीरीज है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट सीरीज। अब जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे उन सब में आपको यही वाली क्या मिलेंगी, वैरायटीज मिलेंगे, बस आपको सीरीज को पकड़ना होता है कि कौन सी सीरीज है और उसके बाद तुम्हें अगला क्या आंसर आएगा वो आंसर। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी हम।